हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन एसएससी की साइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। हालांकि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोला गया है, और जो जो चीज़ें बताई गई है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये 16/3/2020 यानी 16 मार्च 2020 अभी थोड़ी देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है, और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो एग्जाम होगा वो जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के ऊपर एग्जाम होगा। कोरोना वायरस के चलते हुए कमीशन ने कुछ एक चीजें डिसाइड की है, ये कौन कौन सी चीजें हैं पूरा अच्छे से समझना, जो बच्चे भी पेपर देने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करना। उन्होंने बोला है कोई भी बायोमेट्रिक जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कराया जाएगा, नो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड, यानी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है वो नहीं कराई जाएगी। उन्होंने ये बोल दिया है स्पेशली, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि बायोमेट्रिक के कारण जो है वो कोरोना वायरस फैलने के डर ज़्यादा थे, तो कमीशन ने बोल दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि आप लोग अपने खुद के मास्क वहां पे लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कमीशन को, लेकिन जब फोटोग्राफ की जाएगी आपकी वेरिफिकेशन के लिए तब आपको जो मास्क है वो एक बार के लिए रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप दोबारा उसको पहन सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि जो कैंडिडेट है वो अपने खुद के हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो खुद के लेके आ सकते हैं, वो भी स्मॉल साइजेस के अंदर। यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई है वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, बिग साइज के अंदर मत लेके जाना क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर स्मॉल साइज का जो होता है हैंड सैनिटाइजर वो आपको लेके जाना है। आ गया समझ में, आप खुद के मास्क लेके जा सकते हो, उसके बाद आप को जो बायोमेट्रिक से डर लग रहा था वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब यहाँ पे नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लोग जो है अपने खुद के पेन लेके जा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल पेन लेके जा सकते हो, खुद का बॉल पेन होगा यहाँ पे, और जो जहाँ पे भी एग्जाम होगा आपका उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई है यहाँ पे कि जो भी माउस वगैरह होगा और जो भी आपका टच पैड वगैरह जो भी होगा, कीबोर्ड जो भी होगा, जितनी भी चीज़ें होगी जिसके द्वारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, एक स्टूडेंट जो है वो यूज करेगा, वो सारी की सारी चीजें क्लीन की जाएगी हर शिफ्ट में, जब भी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें क्लीन की जाएगी ताकि नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो। तो ये जो है नोटिस थोड़ी देर पहले आया है, आप लोग इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया गया है, जैसे ही कोई और न्यूज आएगी वैसे आप लोगों को बता दी जाएगी। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और आप लोग सेफ रहो, आप लोग सुरक्षित रहो, और अगर आप लोग एग्जाम देने जाओ तो इन सभी चीजों को फॉलो जरूर करना। थैंक यू।